Press the bell icon so you never miss any video from Momo's Kitchen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. आज मैं आपको तंदूरी चिकन बोटी बनाना सिखा रही हूँ. इसके लिए मैंने 1.25 किलो बोनलेस लिए चिकन की. इसको 1 पाव दही, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3 से 4 टेबलस्पून हमें लेमन जूस चाहिए, 1 टेबलस्पून भर के हमें गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च. 1 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए. आप तंदूरी कलर भी ले सकते हैं, रेड फूड कलर जो आता है, लेकिन वो केमिकल होता है इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करती इसको. मैं कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ जिसमें कलर चाहिए होता है. 1 टेबलस्पून भर के हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टेबलस्पून कचरी पाउडर. मैं दही को फेंटूंगी, सारे मसाले इसमें मिला दूंगी. इलायची पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, कसूरी मेथी. इसको थोड़ा सा मसल के डालेंगे. कचरी पाउडर, आधा टेबल स्पून लेमन जूस इसमें डाल दूंगी मैं चिकन पे. ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे. इसमें तेल भी डाल दूंगी. सब चीज़ें मिक्स करूंगी. अच्छी तरह मिक्स करके चिकन पे लगा देंगे. आप इससे स्टिक बोटी भी बना सकते हैं, इसको सीखों पे भी बना सकते हैं, ओवन टोस्टर में ही बना सकते हैं, पैन में भी बन सकती है, बना के फ्रीज भी कर सकते हैं. ये मिक्स हो गया अच्छी तरह. अब मैं इस पे डालूंगी ये इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी और इसको तकरीबन हम 2 से 3 घंटे के लिए इसको भी रख देंगे ताकि अच्छी तरह हमारे मसाले जो हैं इसमें जज्ब हो जाएं. ये अच्छी तरह मिक्स हो गया. अब मैं इसको एक बाउल में निकाल दूंगी. ये मैंने छोटे बाउल में कर दिया है. अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए ये भी मैं रखूँगी और फिर मैं इसको सीखों पे बनाऊँगी. ये हमारी तंदूरी चिकन बोटी मैरिनेट हो गई है. अब मैं इसको ग्रिल में लगाऊँगी. इस ग्रिल को मैंने ग्रीस कर दिया तेल से. अब मैं ये इस पे बोटियाँ रखूँगी इसके ऊपर और फिर इसको सेकेंगे हम. ये ग्रिल पर रख दिए मैंने चिकन. अब मैं इसको बंद कर दूंगी. इसको लॉक कर दिया. अब इसको मैं अंगीठी पर रखूंगी. हमारी चिकन तंदूरी ग्रिल हो रही है ये अंगीठी पे. इसको ये जब सिक जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको. हमारी चिकन तंदूरी ग्रिल हो गई है. इसको मैंने सलाद और रायते के साथ सर्व किया और चटनी के साथ. ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही लजीज बनी है. मैंने चेक किया अभी. ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए. ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा मुझे इसको ट्राई करके. जज़ाकल्लाह खैर.